हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रवि पुष्य योग और शिववास के खास सहयोग में आ रहे हरियाली अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ समय क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सावन के महीने की अमावस्या हरियाली अमावस्या होती है। इस दौरान पूजा पाठ और दान पुण्य करना विशेष लाभकारी माना जाता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार की हरियाली अमावस्या बहुत ही खास है। इस दिन कई अद्भुत और चमत्कारिक संयोग बनेंगे, जिस दौरान अगर आप कुछ विशेष कार्य और स्नान दान करते हैं तो आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस बार हरियाली अमावस्या क्यों खास है और इस दिन स्नान दान का समय क्या रहेगा। हरियाली अमावस्या क्यों है खास? दोस्तों, इस बार हरियाली अमावस्या के दिन कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। साल 2024 में हरियाली अमावस्या 4 अगस्त रविवार को है। इस दिन सुबह से ही शिववास का योग है। दोस्तों, इस योग के दौरान भगवान शिव माता गौरी के साथ रहते हैं। इस योग में शिव पार्वती की पूजा साथ में करने से मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इसके साथ ही सावन की अमावस्या रविवार के दिन है, जिससे रविवारी अमावस्या का योग है। इस दिन रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना जाता है, जो शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम होता है। आइए जान लेते हैं सावन हरियाली अमावस्या शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सावन हरियाली अमावस्या तिथि 4 अगस्त दिन रविवार को होगी। सावन अमावस्या प्रारंभ होगी 3 अगस्त शनिवार की दोपहर 3:50 पर। सावन अमावस्या का समापन होगा 4 अगस्त रविवार की शाम 4:42 पर। दोस्तों, रवि पुष्य योग का संयोग रहेगा सुबह 5:44 से दोपहर 1:26। दोस्तों, अमावस्या का स्नान दान होगा सुबह 4:20 से सुबह 5:02 और पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक। दोस्तों, सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:02, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:03 और राहु काल का समय रहेगा शाम 5:25 से शाम 7:02। अब जान लेते हैं सावन अमावस्या विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु और महादेव को प्रणाम करें और सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। अब आचमन कर पूजा का संकल्प लें। दोस्तों, सर्वप्रथम सूर्य देव का जलाभिषेक करें, इसके पश्चात भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करें। दोस्तों, यह तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है, इसलिए पूजा के बाद पितरों के निमित्त बहते हुए जल में तिल प्रवाहित कर तर्पण करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं और यदि हो सके तो तुलसी, आंवला, केला, बरगद, पीपल या नीम जैसे दैविक पौधों में से एक पौधा अवश्य लगाएं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली अमावस्या के अवसर पर पौधे लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी बंद किस्मत भी संवर जाती है। अब जान लेते हैं रवि पुष्य योग में क्या करना चाहिए। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पौधारोपण, दान और पूजन जरूर करें। इस उपाय को करने वाले के भाग्य खुल जाते हैं। दोस्तों, इस दिन महादेव का जलाभिषेक करने के बाद उन्हें चावल, गेहूं, हरी साबुत, मूंग, इनमें से कोई भी एक अनाज अवश्य चढ़ाएं। इस उपाय से भाग्य की उन्नति होती है। दोस्तों, इस दिन सुबह 5:44 से लेकर दोपहर 1:26 तक का समय अत्यंत ही शुभ है। इस अवसर पर अगर आप शिव गौरा की पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने के साथ ही विशेष रूप से वृक्षारोपण करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।